सेनापति धूम्रलोचन। आप मुझे जानती हैं सुंदरी? आप जैसे महान असुर को भला कौन नहीं जानता। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आप यहाँ शुंभ निशुंभ के दूत बनकर क्यों आए हैं। आपके प्रश्न का अभिप्राय क्या है सुंदरी? यही कि आप स्वयं इतने बलशाली हैं कि शुंभ निशुंभ भी आपके दास बनकर रह सकते हैं। किंतु हे अलौकिक सुंदरी, मैं इस समय स्वर्ग विजेता शुंभ निशुंभ का दूत बनकर आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने तो दूत से कहा था कि मैं युद्ध चाहती हूँ और ये संदेश भी दिया था कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। फिर उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा है? सुंदरी, मैं तुझे बलपूर्वक उठाकर ले जाने के लिए आया हूँ। तुझ पर विजय पाने के लिए युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है। चाहता है तो अपने स्वामियों शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए भेज। महालय में जाकर विश्राम करो। धूम्रलोचन के अंत के साथ असुरों की ओर से नया युद्ध प्रारंभ होगा। आवश्यकता पड़ने पर मैं तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए आ पहुंचूंगी।
क्या बात है नंदी? माता पार्वती के अचानक अदृश्य होने से हम सभी लोग चिंतित हैं भोलेनाथ। कृपा करके हमें बताएं कि माता पार्वती कहाँ है। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय। माता पार्वती की जय। देवी, तुमने कालिका का रूप धारण करके कौशिकी की सहायता की है, ये देखकर हम प्रसन्न हुए। आपकी प्रसन्नता मेरे लिए वरदान के समान है स्वामी। अब मैं इस कर्तव्य का निसंकोच होकर पालन करूंगी। कालिका, ये कालिका का कौन सा रूप है माता? ये रहस्य हमें बताएं माता। हाँ माता, हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। धैर्य धारण करो नंदी, धैर्य धारण करो। इस रहस्य को जानने के लिए तुम सभी को प्रतीक्षा करनी होगी। समय आने पर संपूर्ण रहस्य तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। रक्षा करें देवराज, रक्षा करें, रक्षा करें देवराज, रक्षा करें। हमारे सैनिक मारे गए देवराज। चिल्लाते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी? देवराज, कालिका के प्रहार से हमारे सेनापति धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गए और हमारी असुर सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। देवराज, हमारे बहुत से सैनिक मारे गए और हम अपने प्राण बचाकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुंचे हैं। देवराज, कौन है ये कालिका? कहाँ से आई ये कालिका जिसने हमारे सेनापति धूम्रलोचन को भस्म कर दिया? कौन हो सकती है कालिका? अवश्य ही ये सुंदरी कौशिकी की रक्षिका है। सबसे पहले हमें रक्षिका कालिका को ही समाप्त करना होगा। यही एक उपाय है। निशुम, वो सुंदरी असीम शक्ति की स्वामिनी प्रतीत होती है। हमें अत्यंत सावधानी से युद्ध में उस पर विजय प्राप्त कर उसे यहां स्वर्ग लोक में लाना होगा। दैत्यराज, इस समय आपको युद्ध भूमि में नहीं जाना चाहिए। धूम्रलोचन अपनी असावधानियों के कारण ही युद्ध में मारा गया। इस समय तो आपको किसी चतुर सचेत सावधान असुर वीर को भेजें ताकि वो अपनी चतुराई से कौशिकी को समझाकर यहां ला सके। दैत्यराज, उस सुंदरी से हम एक बार मिल चुके हैं। मिलने से हम उसके स्वभाव से परिचित भी हो चुके हैं, इसलिए एक बार फिर हमें उसके पास जाने का अवसर दें। दैत्यराज, हमें विश्वास है कि हम उसे यहां लाने में अवश्य सफल होंगे। निशुम, मेरा विचार है हमें इन दोनों को ही भेजना चाहिए। हाँ भैया शुम, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। चंड, मुंड, तुम दोनों असुर सेना के साथ उस ओर प्रस्थान करो। किंतु सावधान, विजयी होकर लौटना। ऐसा ही होगा दैत्यराज। सर्वाधिपति महाबली दैत्यराज शुम निशुम की जय। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। शुंभ निशुंभ ने पहले धूम्रलोचन को भेजा देवी कौशिकी के पास और उसे मरवा दिया, और अब मरने की बारी है चंड मुंड की। क्या कारण है कि शुंभ निशुंभ अपनी असुर सेना को भेज रहे हैं, युद्ध करने स्वयं नहीं आते? वो देवी कौशिकी की शक्ति से परिचित होकर भयभीत हैं कि कहीं उनके हाथों वो मारे न जाएं। नारायण नारायण। देवराज एवं देवगण, आप सब यही विचार कर रहे हैं कि शुंभ निशुंभ स्वयं युद्ध करने क्यों नहीं जाते? कहीं देवी कौशिकी के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के भय से तो नहीं जाते? यही विचार मेरे अथवा अन्य किसी के भी मन में आ सकता है। देवराज, कैसा विचार? देवर्षि, यही कि आप स्वयं इन दुष्ट असुरों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके इन्हें समाप्त क्यों नहीं करते? देवर्षि, इस बार स्वर्ग से निकलते ही हमारी सारी शक्तियां अपना चमत्कार खो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति ने भी हमें परामर्श दिया है कि हम अपनी बची कुची दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उसे व्यर्थ न करें, कारण कि इन दुष्ट असुरों का संहार तो देवी कौशिकी के हाथों ही होगा। नारायण नारायण।
देवी कौशिकी के विषय में देवगुरु ने जो कुछ कहा वो अक्षरक्षय सत्य है। परमपिता ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझसे यही कहा था कि शुम्भ निशुम्भ को दिए गए वरदान में ही इन असुरों के विनाश के बीच छुपे हुए हैं। इसलिए देवराज आप निश्चिंत रहें, और हाँ, इन दुष्ट असुरों की दृष्टि में आकर अपने लिए संकट को निमंत्रण ना दें। दैत्य सेनापति चंड मुंडकी जय। दैत्य सेनापति चंड मुंडकी जय। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ की जय। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ की जय। दैत्य सेनापति चंड मुंड की जय। अरे नारद, तुम ही हो। ये तो सारा जगत जानता है कि मैं हूँ। पूरी बात सुनो नारद, चंड कह रहा है कि तुम ही हो जो देवताओं को हमारे स्वामियों के विरुद्ध भड़काते हो। तुम देवताओं के मित्र और असुरों के शत्रु हो। होता है, कोई किसी का मित्र तो कोई किसी का शत्रु होता है। जैसे आप बुद्धि के शत्रु और दुष्टता के मित्र होता है। क्या कहा? मैंने कहा, हे वीर असुर, क्या जगत में ऐसा भी कोई निर्बुद्धि प्राणी है जो देवताओं का शत्रु और असुरों का मित्र होना चाहेगा? और यदि होगा तो सारा जगत ही उसका शत्रु हो जाएगा। नारायण नारायण। ए नारद, तुम सदा ही बुद्धि में ना आने वाली बातें क्यों करते हो? किंतु किसी बुद्धिमान ने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। उनकी बुद्धि में मेरी बातें अवश्य आ जाती होगी, है ना? बहुत बोलते हो नारद। मैं केवल बोलता ही नहीं, खोलता भी हूँ। क्या खोलते हो? रहस्य। और इस समय यह रहस्य खोल रहा हूँ कि तुम दोनों का सर्वनाश समीप है। ए, नारद, चित्कार से सत्य को नहीं दबाया जा सकता। चंड, मैं तुम दोनों का सर्वनाश अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। यदि माता कालिका के हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते तो जाओ, तुरंत जाकर पाताल लोक में छिप जाओ। क्या कहा? नारायण नारायण। अरे दुष्टों, निर्बुद्धियों, तुम्हारे हित की बात करता हूँ तो भी तुम्हें क्रोध आता है। नारायण नारायण। मैंने तो केवल तुम्हें सावधान किया है कि जिस ओर तुम जा रहे हो उस ओर साक्षात जगत माता, जगत जननी, जगदम्बे आदि शक्ति विराजित हैं। वे सत्पुरुषों की रक्षा और असुरों का विनाश करती हैं। उनकी पुत्री देवी कौशिकी भी इन्हीं गुणों से संपन्न है। वहां तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मां कालिका के सम्मुख तुम अधिक समय नहीं टिक पाओगे दुष्टों। अब मेरी बात बुद्धिमानों के समझ में आती है ना? तुम कैसे समझ पाओगे? नारायण नारायण। और विधि के विधान के आगे तुम क्या करोगे और मैं भी क्या करूं? अब आगे बढ़ो और परिणाम भुगतो। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ की जय। दुष्टों ने चंड मुंड को भेजा है। मैं चामुंडा का रूप धारण करके उनका वध करूंगी। तुम निश्चिंत रहो। माता, मैं तो तुम्हारी लीला के अधीन हूँ। नारायण नारायण। देवी के दोनों पावन रूपों को नारद का कोटि कोटि प्रणाम। धन्य हुआ मैं एक ही रूप को
दो स्थिति में देखकर मैं धन्य हुआ। नारद, तुम यहाँ किसकी आज्ञा से आए हो? नारायण नारायण। माता, बालक को अपनी माता से मिलने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता होती ही नहीं। वाह पटु हो, तुम्हारे सम्मुख प्रश्न जन्म ले, उससे पूर्व ही उत्तर तुम्हारी वाणी में जन्म ले लेता है। अब प्रश्न ये है कि आज्ञा की आवश्यकता नहीं, किंतु आए क्यों हो? दर्शन, मात्र दर्शन। मन में एक प्रबल इच्छा थी कि आप दोनों के दर्शन एक साथ करो, और यही कामना मुझे यहाँ तक ले आई, और वो पूर्ण भी हो गई, और मैं धन्य भी हो गया। देव ऋषि, आपकी ये कामना तो युद्ध भूमि में भी पूर्ण हो सकती थी। युद्ध भूमि? नारायण नारायण। देवी कौशिकी, जो भी कामना युद्ध भूमि में पूर्ण होती है वो अत्यंत भयावह होती है, और उनके पूर्ण होने के पश्चात जीवन और जीवन की शांति दोनों नारायण नारायण समाप्त हो जाते हैं। मैं अपनी कामनाएं युद्ध भूमि में पूर्ण होने के पक्ष में कदापि नहीं। असुर सेनापति महाबली चंड मुंड की जय। माता, आप इन असुरों को यमलोक पहुंचाएं, मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दें। सावधान दुष्ट चंड मुंड, तुम्हारा प्रवेश कौशिकी महालय में अब कदापि नहीं होगा। तुम दोनों यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। नहीं, हम बलपूर्वक सुंदरी कौशिकी को स्वर्ग लोक ले जाकर ही रहेंगे। स्वर्ग विजेता शुंभ निशुंभ की यही आज्ञा है। चंड मुंड, तुम दोनों को समाप्त करने के लिए ही मैंने चामुंडा का रूप धारण किया है। हम पाताल के महावीर योद्धा हैं। यज्ञ में बलि देने के लिए बांध दिया है। माता, आपने चामुंडा रूप धारण कर लिया है, अब आप ही अपने हाथों से इनका अंत करें। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। चंड मुंड भी? दैत्यराज, चंड मुंड भी उस सुंदरी के हाथों मारे गए।
अब तो आपको उसे प्राप्त करने का विचार त्याग देना चाहिए, अन्यथा असुर जाति का सर्वनाश हुए बिना नहीं रहेगा। असुर जाति के सर्वनाश की भविष्यवाणी करने वाले असुर द्रोही, तेरा ही परामर्श मानकर हम धूम्रलोचन तथा चंडमुंड जैसे असुर वीरों से हाथ धो बैठे हैं। असुर जाति के सर्वनाश से पहले तो हमारे हाथों तेरा सर्वनाश होगा। दैत्यराज, अब तो ये निश्चित ही हो गया है कि ब्रह्मदेव का वरदान ही तुम दोनों के सर्वनाश का कारण होगा। अब तुम्हें उस देवी से कोई नहीं बचा सकता। दैत्यराज, 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 अनर्थ हो गया महाबली दैत्यराज। जो नहीं होना था वही हो गया दैत्यराज। जिस विषय के लिए सोचा भी नहीं था दैत्यराज, वही हो गया, वही हो गया। बंद करो ये प्रलाप और जो हुआ है वो कहो। चंडमुंड दोनों मारे गए दैत्यराज, चामुंडा के हाथों मारे गए। पहले कालिका और अब चामुंडा। कौन है वो कालिका और ये चामुंडा? रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। लगता है सुंदरी कौशिकी की रक्षा के लिए कालिका ही चामुंडा बनकर प्रकट हुई है। वो कुछ भी बने, कुछ भी बनकर प्रकट हो, उसे समाप्त तो करना ही होगा। इसके लिए आपको अपने चमत्कारी साथी रक्त बीज का आह्वान करना होगा। हाँ, रक्त बीज हमारे आह्वान पर तुरंत पाताल लोक से बाहर निकलकर प्रकट होगा और वो कालिका व चामुंडा को समाप्त करने में हमारी सहायता करेगा। कालिका के समाप्त होते ही सुंदरी कौशिकी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये तो तुमने बुद्धि और ज्ञान की बात कह दी निशुम। चलो हम दोनों मिलकर उसे पुकारते हैं। असुर शिरोमणि, चमत्कारी रक्त बीज, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। रक्त बीज, रक्त बीज। स्वर्गाधिपति असुर सम्राट दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। रक्त बीज, तुम्हारे आगमन से हम प्रसन्न हुए। दैत्यराज, मेरा आवाहन क्यों किया? रक्त बीज, सुंदरी कौशिकी को हमने स्वर्ग की साम्राज्ञी बनाने का प्रण किया है और उस प्रण की पूर्णता में कालिका चामुंडा बाधा बनी हुई है। रक्त बीज, तुम तुरंत जाकर चामुंडा और कालिका को समाप्त करके सुंदरी कौशिकी को यहाँ ले आओ। इसके लिए हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। असुर सम्राट शुंभ निशुंभ, आपकी आज्ञा मानकर आपका प्रण पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा। धूम्र लोचन और चंडमुंड के पश्चात शुंभ निशुंभ ने अब रक्त बीज को भेजा है, अर्थात शुंभ निशुंभ अब भी स्वयं देवी कौशिकी के पास आने का साहस नहीं कर रहे। किंतु इस राक्षस की भयंकरता को देखकर लगता है कि ये महाशक्तिशाली राक्षस कौशिकी महल में कुछ ना कुछ उत्पात अवश्य मचाएगा। Yeah.
हे सुंदरी, मैं यहां तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हें आदर पूर्वक स्वर्ग लोक ले जाने के लिए आया हूं। महाबली शुंभ निशुंभ त्रिलोक विजेता है, तुम उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर त्रिलोक साम्राज्ञी बन जाओगी और जगत के सर्वोत्तम सुखों को भोगोगी। आओ मेरे साथ, आओ स्वर्ग लोक, चलो मेरे साथ। शक्तिशाली असुर रक्त बीज मारा गया। भैया शुंग, अब तो स्वयं मुझे ही युद्ध भूमि में जाना होगा। तुम जाओगे? हाँ, मेरी वरदानी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं कालिका का संहार करके सुंदरी कौशिकी को लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। असुर सेना तैयार हो, आगे बढ़ो। महाशक्तिशाली दैत्यराज निशुंभ की जय। दैत्यराज निशुंभ की जय। दैत्यराज निशुंभ की जय। दैत्यराज निशुंभ की Na 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 na
शिवा।